बद्रीनाथ यात्रा में इस बार नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बद्रीनाथ यात्रा में पहली दफा 15 लाख यात्रियों के पहुंचने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। यात्रा का एक माह से अधिक का दिन शेष बचा हुआ है। लगातार बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मौसम अलर्ट, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं में उत्साह में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। खराब मौसम के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार हो चुकी है। श्रद्धालुओं के बड़ी तादाद में आने से बद्रीनाथ धाम के व्यापारी खासा उत्साहित है। बद्रीनाथ से अजय कृष्ण मेहता की रिपोर्ट। इस साल की यात्रा बहुत दिव्य है और अगले वर्ष के और दो साल के कोरोना काल से उसमें से जो भी यात्रा काल होती रही उस बार जो भगवान ने सबको यात्रा काल का एक अवसर दिया है, बहुत पूर्ण अवसर दिया है। और यात्रा काल चरम सीमा में है, बरसात के मौसम में भी और इस अक्टूबर के महीने में 100 साल का रिकॉर्ड पूरा ही टूट गया है। ये जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, मैं मानती हूँ कि इस बार वो बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रही है, क्योंकि हर वर्ष ये होता था कि मई जून में यात्री बहुत अधिक संख्या में आते थे, फिर बरसात में यात्रियों की संख्या कम हो जाती थी और दशहरे और दिवाली के समय में भी यात्रियों की संख्या कम रहती थी। परंतु इस बार ऐसा नहीं देखा गया, क्योंकि रोड की स्थिति बहुत अच्छी रही, किसी भी प्रकार की आपदा या भूस्खलन नहीं हुआ, इसलिए बरसात में भी इस बार यात्रियों की संख्या में ज्यादा कमी नहीं हुई। और बद्रीनाथ धाम में हम लगभग 15 लाख यात्रियों को सुविधापूर्वक यात्रा करवाने में समर्थ रहे हैं, जो कि एक अच्छी पहल है।